तेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज और बहुत जल्द आने वाला है एक प्ले टीवी वन पर। ये एक इनिशिएटिव है कशफ फाउंडेशन का, दिल ना उम्मीद तो नहीं। ये पहली बार नहीं कि कशफ फाउंडेशन ने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट किया है। बहुत पहले प्रोजेक्ट्स आए हैं और बहुत ही सीरियस टॉपिक्स पे, यानी कि जो मसाइल है हमारी सोसाइटी के, उनको सामने रखते हुए ये प्लेस बनाए गए हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं भी इन्हीं कुछ मसाइल से मुंसलिक है। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ख़ास जिक्र किया गया है। बहुत सारे और भी इसके पहलू हैं, डिफरेंट शेड्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं इस ड्रामे में, जो आप देख पाएंगे 2021 जनवरी, समवेयर अराउंड द मिडल ऑफ जनवरी, जनवरी के मिडल में जाके ये प्ले ऑन एयर होगा, आप टीवी वन पे इसे देख सकेंगे। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इसमें बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, बहुत बड़ी कास्ट है। इश्यूज जो हैं वो भी आपके इंटरेस्ट के हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी के वो ऐसे इश्यूज़ हैं जो जिनको हम रोज़ाना अखबारात में देखते हैं, सोशल मीडिया पे खास देखते हैं, अब आप इस प्ले में इन इश्यूज़ को देख पाएंगे। मैं मज़ीद इसके बारे में इसलिए बात नहीं करूँगी क्योंकि इस कास्ट मेरे साथ हैं, डायरेक्टर मेरे साथ हैं, रोशान ज़फ़र मेरे साथ हैं, द एम डी फॉर कशफ फाउंडेशन, सो लेट्स हेयर इट फ्रॉम देम ऑल। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? नवीद शहजाद, रोशान ज़फ़र एंड सामिया मुमताज़ अभी तो ये है मेरे साथ, साथ साथ जैसे ही ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा बाकी स्टार्स भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड रोशान, आई थिंक आई स्टार्ट विद यू। ऑब्वियसली आपने पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए, उदारी भी किया है, बहुत सारे और भी किए हैं, बट वॉट वॉज सो स्पेशल अबाउट दिस प्रोजेक्ट? आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का था कि ये इशू बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी लेयर्स हैं, और अगर हम इसके अदाद व शुमार भी देखें तो तकरीबन यूनिसेफ के नंबर्स के मुताबिक तकरीबन 5 लाख इंडिविजुअल्स हैं पाकिस्तान में आज जो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ मॉडर्न डे स्लेवरी में फंसे। तो जब हमने इस पे सोचना शुरू किया तो हमने रियलाइज़ किया कि ये सिर्फ वो नहीं है कि एक औरत है और वो बिकती है और फिर वो प्रोस्टिट्यूशन डेन में चली जाती है, वो एक लेयर है। लेकिन जब हम बेगर माफिया को देखते हैं, जब हम वो बच्चों को देखते हैं जो घरों में डोमेस्टिक सर्विट्यूड या लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, माँ बाप ने कर्जा लेकर उनको भेजा हुआ, तो इसमें बहुत सी लेयर्स थी जिनको हमें एड्रेस करने की जरूरत। ये जो टॉपिक था ये बहुत सीरियस था, इसको शुगर कोट नहीं कर सकते थे। हमने कई ड्रामे बनाए हैं मगर इसको हमें फिर हमने वी स्टार्ट थिंकिंग कि इसको हम कैसे प्रेजेंट करें कि इट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड येट ये आपके इतना जोर का हिट ना करे कि ऑडियंस जो है वो अनकंफर्टेबल हो। समटाइम्स आपको इश्यूज अनकंफर्टेबल भी करके दिखाने पड़ते हैं। सो देन हमने इसमें एक और ट्रैक डाला, तो इसमें एक जो कह लें एक जो कम्प्लेक्सिटी भी कहूँगी और एक इंटरेस्टिंग बात भी जो है कि इसमें 3 ट्रैक्स हैं और ये बहुत से कैरेक्टर्स हैं। जब हम इसकी बात करते हैं, आपके व्हेन यू राइट अ स्क्रिप्ट तो आप कहते हैं उसमें स्टॉक कैरेक्टर्स 4-5 होने चाहिए, लेकिन इस केस में वी हैड अबाउट 10 स्टॉक कैरेक्टर्स, तो एक्सपैंस बहुत था, वेरिएशन बहुत थी। और एक और इंटरेस्टिंग पहलू इसमें ये है दैट यू सी द होल ऑफ पाकिस्तान, आप पूरे माशरे का इसमें स्कोप देखते हैं, तो इसका एक्सपैंस बहुत वाइड था, फ्रॉम द विलेज लाइफ टू द मॉडर्न अर्बन पाकिस्तान। तो जो हम जब पाकिस्तान की भी आज बात करते हैं तो एक पाकिस्तान नहीं है, देयर आर मेनी मेनी लेयर्स, सो देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स। आई थिंक द ऑडियंस विल रियली लाइक इट बिकॉज ये बहुत अनयूजुअल प्रोजेक्ट था। वेल यू हैव दो जो मजीद और मेन कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, नवीद शहजाद साहिबा एंड सामिया, आप लोग हाउ डिड यू आप लोगों ने प्रोजेक्ट कैसे ज्वाइन किया और क्यों किया? भाई मेरे लिए तो बड़ी सिंपल सी चॉइस थी कि रोशाने ने पूछा और मुनीजा हाशमी ने पूछा, तो मैंने समझा फौरी तौर पर कि ये कुछ अच्छा ही काम करेंगी दोनों ख्वातीन, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा कमाल का है, तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन आपका रोल बड़ा मुख्तलिफ है इस दफ़ा। जी है, और मैंने बड़ी खुशी से किया। उस किरदार से मैं खुश नहीं हूँ, इन द सेंस के ना तो मैं जजमेंटल हो रही हूँ ना मैं पसंदीदगी की बात नहीं है, मैंने उसको एक चैलेंज समझ कर करना चाहा। और ये आपने दुरुस्त कहा है कि मेरे आम फहम जो रोल रहे हैं पास्ट में
उनसे जरा मुख्तलिफ है। ये मेरा घर है और ये लड़कियाँ मेरी बेटियाँ हैं, मेरी कमाऊ पोत। मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई इसलिए भी क्योंकि आपको एक मुख्तलिफ रूप में देखा जाएगा। सो वर यू कंफर्टेबल डूइंग इट? आप मतलब आपकी कंफर्ट जोन, आपका कंफर्ट लेवल क्या था उस वक्त? देखिए, एक्टर के लिए ऐसा रोल कबूल ही नहीं करना चाहिए अगर वो उसको करते हुए अनकंफर्टेबल फील करे। तो ये तो पहली चॉइस तो ये होती है ना, नंबर वन कि मैं इंसाफ कर सकूँगा इस किरदार के साथ, और ये मुझे कितना चैलेंज करता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हों तो फिर कंफर्ट लेवल की बात नहीं होती। Well, you are a brilliant actor. आप तो कोई भी रोल निभा सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट है कि मुख्तलिफ था बहुत। हाँ, I don't want to give away too much because it would be a spoiler. Yes. लेकिन बहुत मजा आया, mainly because number one, script बड़ी अच्छी लिखी हुई है। बिल्कुल। और जिस तरह रोशाने ने कहा कि इसमें बहुत layers और बड़ी complexities हैं और सोसाइटी के जो स्ट्रेटाज हैं मुख्तलिफ किस्म के, उसको बड़े गौर से देखा गया। दूसरी बात ये थी कि पहला मौका था कि मैं काशिफ के साथ काम कर रही थी। ही इज रियली एन एक्टर्स डायरेक्टर। अच्छा, पहली दफा आपका उनके साथ एक्सपीरियंस? पहली दफा। इतना लुत्फ आया क्योंकि काशिफ सोच कर सेट पर आते। मैंने कुछ ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जो वहाँ आकर सोचते हैं। Really? तो उसमें हाँ, हर किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं, हर किस्म के एक्टर्स होते हैं। But with काशिफ ऐसी सिचुएशन नहीं थी। काशिफ ने न सिर्फ पहले से अपने कैमरा एंगल सोचे हुए होते हैं, उनकी लाइटिंग इम्पेकेबल होती है, और वो नब्स को पकड़ते हैं सीन की, जिससे बड़ा लुत्फ आता है। राइट। मेरा रास्ता सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। वेल, नजमा की तरफ आते हैं, सामिया मुमताज की तरफ। वेल सामिया, आप ऑफ कोर्स, इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट। कशफ के पहले भी जो प्रोजेक्ट्स रहे, दे हैव बीन वंडरफुल एंड दे डिड ट्रेमेंडसली वेल। बल्कि परसीव भी अच्छी तरीके से किए गए थे सोसाइटी की तरफ से, लेकिन दिल ना उम्मीद तो नहीं, ये आपके लिए खास क्यों है? मैंने तो एक्चुअली बगैर स्क्रिप्ट देखे हाँ कर दी थी, रिश्ते को मैंने मंजूर कर लिया था क्योंकि रुशाने के साथ पहले भी काम किया था इनके प्रोजेक्ट पे, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट उसकी जगह है उस प्ले की हमारे यहाँ। मुझे लगता है उससे जो पिछला प्ले मैंने इन लोगों के साथ किया था वो उडारी के नाम से, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हम लोगों की हम बात करने की एक स्पेस उस प्ले ने बनाई, उसकी वजह से बहुत सारी जो कॉन्वर्सेशंस थी बच्चों से की से भी और स्कूलों में भी और बहुत सारे मकामों पे ये बात शुरू हुई पहली दफ़ा, क्योंकि इनके इस इशू में जो के लिए हमारे पास जबान ही नहीं थी पहले। बिल्कुल। लेकिन अब हम उसको रेफर करके उडारी वाली सिचुएशन करके ही बात कर लेते हैं अक्सर लोग उसके बारे में, तो मुझे मालूम था अगर ये कुछ कर रही हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। इसके अलावा जो नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन है, उसमें मेरी वालदा भी थी, उन्होंने भी मुझे कुछ बताया था कि ये प्ले होने वाला है और उसका क्या बेसिक मोटा मोटा से उन्होंने मुझे बताई थी कि उस ये किन इश्यूज के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि कोई फ्रिवलस या छचोरी किस्म की बात नहीं होगी, जो भी होगी संजीदगी से और सेंसिटिविटी से होगी। बिल्कुल। अच्छा रोशाने, ये जो टॉपिक्स होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ख्वातीन के मसाइल, बच्चों के मसाइल, अगर आप इन्हें संजीदगी से टेलीविजन पे दिखाएं तो कभी कभी कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं। आपको पता है सोसाइटी उसे परसीव कर सकती है कॉन्ट्रोवर्शियली, कुछ एलिमेंट्स इन द सोसाइटी, तो आपको कभी खौफ और डर रहता है इन चीज़ों का? I mean definitely ये बड़ी निडर लगती है वो तो है, किसी चीज से डर नहीं लगता, that is a fact। और डर लगना चाहिए जब आप झूठ बोल रहे हैं, वो तो सच बोल रही है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में जो कभी सही बात को गलत समझते हैं। उसमें सबसे अहम चीज ये है ना, दैट यू हैव टू रिसर्च दीज प्रोजेक्ट्स रियली वेल। ये नहीं हो सकता कि आप जब एक इशू प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप एक तो उस पर तहकीक ना की हो,
दूसरा आपने समझ बूझ से उसको प्रोजेक्ट ना किया हो और सेंसिटिविटी उस टॉपिक की ना समझी हो, और चौथी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप दिल ना उम्मीद तो नहीं का मौजू ये फैज साहब की नज्म है जिससे लिया गया है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, तो इस शेर के अंदर जो मैसेज है, पैगाम है, वो होप का है। तो हम जब भी कोई इशू लेके आते हैं, देखिए महज तनकीद करना माशरे पे एक इट्स नॉट दैट यूजफुल, जब तक कि आप उसका एक तरीका तो ना दिखाएं, है ना? जी जी, आपने ये भी दिखाना है कि उस मसले का हल क्या है। तो हमने जो भी प्रोजेक्ट किए, अगर हम इशू को लेकर आते हैं, हम उसकी सेंसिटिविटी को भी समझते हैं, तो साथ हम एक सोल्यूशन भी देते हैं कि इसमें से निकलना कैसे। सो इट्स नॉट वी आर नॉट बैटरिंग आवरसेल्व्स इन सेइंग कि हमारा माशरा ख़राब है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे माशरे में मसाइल हैं एंड हम इनके लिए जिम्मेदारी लेकर इनका हल निकाल सकते हैं। सो दैट इज़ द स्कोप जब भी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। और दूसरी बात, आप सही कह रही हैं कि कई बार आपको इशू को शुगर कोट भी करना पड़ता है, तो इसी तरह अगर आप दिल ना उम्मीद को भी देखेंगी तो इसमें कुछ ऐसे मौजू हैं जिनको हम बहुत लाइटली लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगेन स्पॉयलर नहीं देना चाहती, बच्चे को मारना इट्स अ नॉर्मल बिहेवियर, अब्यूज इज सो नॉर्मलाइज्ड, हमारे माशरे में अब्यूज इज सो नॉर्मलाइज्ड कि कोई उसके बारे में सोचता ही नहीं, लेकिन हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए हैं ड्रामे में कि व्हाट कैन दिस लीड टू और व्हाट कैन हैपन टू चिल्ड्रन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। अंग्रेजी में माय पेन वो कौन सुनाएगा? इट इज माय पेन। ऊंची ऊंची बोल, ऊंची बोल। इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड स्टील। आगे। Its color is white and blue. Green and white. Green and white. अच्छा नवीद, आप ये बताइए, जो इतने सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं ऐसे कुछ प्लेज में, खासकर रोशाने के प्लेज में, जब आप इसे परफॉर्म कर रहे होते हैं एज एन आर्टिस्ट, आप इमोशनली अफेक्ट होते हैं ये चीज देखते हुए जब वो एक्ट आउट होती है, कोई बात एक बच्चे को मारना या फिर अब्यूज की बात हो गई? देखिए, ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जो आपके दिल को ना लगे। अब ऐसी सिचुएशंस हैं इस ड्रामे में जिन्होंने मुझे बहुत अपसेट किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये किसी ना किसी लड़की की कहानी ज़रूर है, और ऐसी कई कहानियां हैं जो बच्चियां रो धोकर गुजार देती हैं, कोई पूछता ही नहीं उनको, बिल्कुल वही वाली बात उडारी वाली कि इतने बच्चे अब्यूज होते हैं, आदमी भी औरतें भी बच्चियां भी बच्चे भी, मगर कोई सुनाई नहीं होती। बिल्कुल। तो जब तक कोई इस धागे का सिरा नहीं पकड़ेगा तो ये कहानी बुनी नहीं जा सकती, और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली सारी दुनिया जो है वो अभी तक वही गाना गा रही है, डेवलप्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड और ये और वो, ये ऐसे इश्यूज हैं जिनका डेवलपमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इनका अगर ताल्लुक है तो वो एजुकेशन के साथ है, कि जब तक आप बच्चे के जहन में और बड़े के जहन में वो शऊर नहीं पैदा करेंगे जिससे वो एक दूसरे को एज ह्यूमन बींग समझ सके, इंसान, जानवर, ऑल लिविंग थिंग्स, इन सबका ख्याल करना चाहिए। तो ये शऊर कहाँ से आता है? ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से आता है। बिल्कुल। ये कश फाउंडेशन जैसे लोग हैं जो ऐसी कहानियां चुन चुन कर पेश करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये कितनी तकलीफ दे चीजें। बट सामिया, सिंस आप उदारी का भी हिस्सा रह चुके हैं, आई'd लाइक टू आस्क यू के डू यू थिंक यूजिंग दिस मीडियम टेलीविजन का और ये मैसेजेस इस तरह कन्वे करना मैसेस को, पब्लिक को, क्या ये मदद करता है इन इश्यूज को कम करने में या समझाने में राधा सोसाइटी को? मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है हमारे यहाँ, क्योंकि लोग पढ़ते इतना नहीं है, रेडियो इतना नहीं सुनते हैं, ज़्यादा जो है वो विजुअल्स ही से लोग अपने एंटरटेनमेंट कह लें या जिस तरह से भी, सबसे ज़्यादा लोग टेलीविज़न ही देखते हैं, हर घर में है तकरीबन, और उसके लिए ना आपको इंटरनेट चाहिए ना कोई और सहारा चाहिए, और ये एक फैमिली एक्टिविटी भी है, लोग मिलके भी बैठ के देखते हैं, उसके ऊपर फिर तबसरा भी होता है जब आप
चार छह लोग मिलके कोई चीज देख रहे हो तो उससे जाहिर है डिबेट खुलती है, बहस होती है, बातचीत होती है. सो ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पावरफुल एक मीडियम है जिसके जरिए. और क्योंकि ये सिर्फ वन ऑफ नहीं है, ये सीरियल है, तो इसलिए कैरेक्टर्स के साथ लोग आइडेंटिफाई भी करना शुरू कर देते हैं, उनकी उनकी जगह खड़े होके अपने आप को भी उनको एहसास होता है कि अगर हम उनकी इस जगह होते तो क्या करते, अपनी जिंदगियों के ऊपर फिर वो मुझे लगता है रिफ्लेक्ट भी करते हैं. आई एग्री विद समिया दैट वो डिस्कोर्स का ना कंफर्ट, एक स्पेस मिल जाती है इन इश्यूज को फिर बात करने में, बिकॉज आप अपने आप से डिफ्लेक्ट करके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि उसके साथ ये हुआ है. सो इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, थर्ड पर्सन हो जाता है, डिस्टेंस के साथ कर रहे हैं. सो अगर आप उस ड्रामे की बात कर रहे हैं और उसमें वो मौजू है जिससे आप अनकंफर्टेबल हैं कि डिस्कस किया जाए, देख कर आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आप बात कर सके. क्या हो रहा है? छोड़ो, क्या हुआ? मैं कहता हूँ क्या हुलिया है इस लड़की का? क्या हुलिया है? यूनिफॉर्म है जैसे बाकी बच्चियों का होता है. यूनिफॉर्म, इस पट्टी को दुपट्टा कहते हैं. ये दुपट्टा है? पट्टी तुम्हारी आंखों पे बन गई है नजमा बेगम. ये लड़कियां बड़ी होती नजर नहीं आ रही तुम्हें? चाहिस्ता बोले, क्या बड़ी हो गई है? इससे बड़ा दुपट्टा पहनेगी तो उलझ के गिर जाएगी, संभाल नहीं सकेगी. उलझ जाएगी तो अबाया मंगा के दो इसको. रोशाने, नाउ विद दिस प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी एक तो कास्ट भी, इतनी बड़ी टीम, एंड ये प्रोजेक्ट्स अलोंग विद योर फाउंडेशन, ये तमाम काम आप कैसे कर लेती हैं? यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप ये कह रही हैं. आर्ट एंड म्यूजिक इज ऑलवेज बीन माय पैशन. I grew up in a family where music was part of my heritage. Okay, so OST is isi ka aap hi ne gaya hai. Jeef, So, you know, so I remember ke jab main bahut choti thi to meri nani ne jhok sayal, mere nana ne likha tha novel. Uska drama banaya tha. Yavar Hayat sahab ne usko direct kiya tha. And I must have been maybe 7 or 8 at that time. And I went through the PTV at night to see the shooting of that drama. So, you know, I grew up with that. So this has always been my passion. And advocacy, of course, is part of the work that I do. So somehow wo bada beautifully jaake na khoobsurti se meld in fuse ho gaya. Mera rasta ta ke hai chand sapne, aao neendon se yaari kar le. Jo kaam government kar rahi hai, khair kaafi steps, kaafi ikdamat liye gaye hain जो कह लीजिए कि हेल्पफुल साबित हुए हैं, बट स्टिल बहुत काम करने की अभी भी ज़रूरत है. तो आपको लगता है कि गैप है बीच में जो बहुत बड़ा है, जो काम करने वाला है? बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली दिखाने के लिए की जा रही होती है. टोकनिज्म बहुत ज़्यादा है कि भाई यहाँ देखो, यहाँ औरत की मौजूदगी है, लेकिन क्या उसको अथॉरिटी उतनी दी जा रही है, रिस्पेक्ट उतनी दी जा रही है अपने काम के अंदर भी, या सिर्फ उसकी खाना पूरी की जा रही है? इस चीज़ को भी देखना ज़रूरी है. और क्या ये अक्रॉस द बोर्ड है या सिर्फ बड़े शहरों की के अंदर ही है ये फिनोमेना? क्या ये गाँवों तक जा रहा है, छोटे शहरों तक जा रही है ये सोच, या बस यहीं महदूद है? यहाँ अब लाहौर बड़ा शहर है हमारे पाकिस्तान का, इसमें अभी तक हमें ताज्जुब होता है अगर हम किसी लड़की को या औरत को मोटरसाइकिल या साइकिल चलाते हुए देखें, और वो जब चलाती है, मैं खुद चलाती रही हूँ अपनी सारी ज़िंदगी साइकिल लाहौर में, लेकिन मुझे मालूम है कि क्या क्या होता है जब आप अकेले निकलते हैं सड़क पे, पूरी नज़रों से देखा जाता है, सिर्फ नज़र नहीं, दूर दूर से बातें की जाती हैं, सिर्फ दूर दूर से नहीं और सिर्फ नज़र से नहीं, हाथ भी आते हैं और टांगे भी आती हैं और पाँव थप्पड़ भी मिलते हैं. नहीं, बहुत बदतमीजी होती है सड़क पे, और उसकी वजह से आपको क्या करना. और आजकल भी जब आप देखें सड़कों पे लड़कियों को, डर के निकलती हैं, पूरी तरह से कवर होके निकलती हैं. मैं जैसे लड़का बन के निकलती थी हमेशा, टोपी में बाल अंदर करके, लड़कों वाले कपड़े पहन के, क्योंकि नहीं है स्पेस. हमारे अंदर जज्बा जरूर है कि हमें बाहर जाने का उतना ही हक होना चाहिए. अच्छा, लेकिन लोग नहीं एक्सेप्ट करते. यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि ये कुछ चीजें जो हैं वो रिवर्स में हुई हैं हमारे आपके जमाने में. तो मैं बताती हूँ कि मैं गुलबर्ग में रहती थी. जी जी. मैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल जो कि माल पर है, वहाँ मैं वायलिन सीखने जाती थी, और मैं अकेली अपनी हर्क्यूलीज लेडीज साइकिल के ऊपर मैं गुलबर्ग से, पीछे मेरे वायलिन स्ट्रैप्ड होता था,
मैं जाती थी, आप ऐसे नहीं कर सकते, क्लास अटेंड करती थी जो कि सिर्फ लड़कों की क्लास थी। वहां पर वायलिन सीखा, लेसन लिया, वापस उसी तरह वापस आए। मजाल है कि कोई छेड़ जाए या कोई बदतमीजी कर जाए या कोई फजूल बात कर जाए, सवाल ही पैदा नहीं। अब तो स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, एंड अगेन जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आती है, जो इस प्ले में खास एक बहुत इम्पोर्टेंट और अहम मौजू है, उसमें भी इजाफा देखा गया है। Also because क्योंकि शायद economic needs ऐसी थी लोगों की, उसकी वजह से crime rate बढ़ा, उसकी वजह से मज़ीद आगे street crime बढ़ा है। So there is an increase in all these crimes, ये जो at the same time levels things have also changed, opportunities जो हैं मवाके ख़वातीन की jobs के employment के बहुत बेहतर हुए। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, 80s में मैं पहली दफे वाघा border मैंने cross किया और मैं अमृतसर गई, और आई वॉज शॉक्ड। फर्स्ट शॉक वॉज दैट आई सॉ वुमेन ऑन मोटर बाइक्स। सेकेंड शॉक वॉज मैं जिस दुकान में जाऊँ वहाँ पर जो सेल्स पर्सन थे वो ख़वातीन थी। और मैंने अपनी अम्मी को कहा, ये आई मीन इट्स जस्ट इट लुक्स द सेम बट इट्स नॉट द सेम। बट पाकिस्तान में अगर अब आप देखें, और ये अगेन आई एम नॉट अ प्रो ग्लोबलाइजेशन इन दैट सेंस कि ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स आई हैं, जिस तरह मैकडोनल्ड्स हैं या बर्गर किंग्स हैं, ये जब आए तो इन्होंने कहा 50% हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ जो हम तब इन्वेस्ट करेंगे जब वो खवातीन हो। बिल्कुल। सो आई थिंक समटाइम्स आपको इस तरह पुश करना पड़ता है, अफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ता है, जिसकी वजह से चीजें चेंज होती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी में ये है, लेकिन फिर भी उस तरह से आपको अगेन वेमेन मोटरसाइकिलें नहीं चलाते हुए नजर आएंगी, बाइसिकल चलाते हुए नहीं नजर आएंगी, सड़कों पे पैदल चलते हुए नहीं नजर आएंगी। और आमदोरफ्त के जराए ना होना, जैसे समिया कह रही है, दैट इज वन ऑफ द मेजर कंस्ट्रेंट्स जो खवातीन को करते हैं कंस्ट्रेंट। अच्छा, ऑल्सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगेन कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द ड्रामा, ये तो एक इशू है, कुछ लोग पुश किए जाते हैं इसमें बाय फोर्स। नाम क्या है तेरा? जी सादिया। तुम्हारे लिए नई सहेली बुलाई है। तुम कौन उसके? चाचा। पता है ये जगह क्या है? कुछ लोग शायद इसमें मजबूरी के तहत भी गलत प्रोफेशंस में, गलत चीजों में चले जाते हैं, अगेन अपनी माशी हालात देखते हुए। तो इसमें कितने लोग बाय फोर्स जाते हैं और कितने लोग पुश किए जाते हैं? जबरदस्ती धकेलना एक खास प्रोफेशन की तरफ या किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, वो बात एक ही आ जाती है। फॉर बिल्कुल आप सही कह रही हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने आखिरी स्टेशन बनाया था तो उसमें जो एक कहानी थी, और ये रियल कहानी थी, जहाँ पे खावन जो है वो ड्रग एडिक्ट हो जाता है, तो वो अपनी बीवी का जिस्म फरोशी करता है। तो नाउ व्हाट इज यू नो व्हाट इज द हाउ डू यू डिटरमाइन फोर्स या बिल्कुल कोई सवाल नहीं आता। हाउ डू डिटरमाइन द डिफरेंस? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बल्कि अब दिखाना चाहूंगी मैं आप लोगों को, जो ऑन लोकेशन जब ये शूट चल रहा था, तो यमुना जैदी अगेन, हु इज अनदर स्टार इन द प्ले, जो इसमें अगेन एक अहम रोल किरदार जो है वो कर रही हैं, उनकी रोल की थोड़ी सी बैकग्राउंड क्या है, कोई स्पॉयलर्स नहीं दे रहे आपको, लेकिन वो थोड़ा सा बताएंगे और साथ आप देख पाएंगे कि शूट पे हो क्या रहा था बिहाइंड द सीन्स। लेट्स टेक अ लुक एट इट। आप इसकी हालत देख रही हैं? आपको पहले पता लग गया कि दिल का दौरा है? ये कौन है? ये रमशा है। कल अच्छी बनी गई थी पाशा के पास, आज इसकी लाश वापस आई है। वेल सलाम, कैसी हैं आप? सलामकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। वैसे आई एम ट्राइंग टू कीप माय सोशल डिस्टेंस, लेकिन कोशिश करते हुए मैं बात करने की, आजकल जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो सुंबल एक बहुत ही डाइवर्स सा कैरेक्टर, इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ रंग हैं, जिन तमाम रंगों के बारे में भी आपको बता नहीं सकते हम ऑडियंस को, बट जो अगर आप थोड़ा बहुत हाईलाइट कर सकें सुंबल का कैरेक्टर। अच्छा, इनिशियली जब एक तो ये कि ये कशफ फाउंडेशन के साथ का ही प्रोजेक्ट है, और जिस इशू पे है उसके लिए हमेशा से मैं लुक फॉरवर्ड करती थी कि मैं कभी इस पे काम करूं, बट ठीक है, आई एम सो ग्लैड कि काशिफ भाई कॉल्ड मी फॉर दिस।
एंड ही चोज मी फॉर दिस कि मैं कर सकूँ ये कैरेक्टर. सुंबल का कैरेक्टर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि इसको कैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगी, इसकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि ये एक प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर है और वो उसका चलना फिरना ये वो सब बातें चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए एक डेफिनेटली टास्क था. सुंबल का कैरेक्टर जो है उसकी डिफरेंट डेफिनेटली लेयर्स हैं. वो जहाँ से उसका बैकग्राउंड है और जो उसका लाइफ का जर्नी है वो बहुत सी नहीं लेकिन कुछ लड़कियों का होता है इस तरह का जर्नी, तो उसको हमने बेहतर से बेहतर तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की एंड डेफिनेटली आप लोग को अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे. प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट दिस प्रोजेक्ट इज रियली गुड. राइट. लेकिन जो आपने कहा कि मुख्तलिफ उनका चाल चलन बोलना वो सारे सलीके, ये अडेप्ट करना कैरेक्टर में किस तरह किया फिर आपने, किस तरह सीखा, कहाँ पढ़ा देखा या सीखा? वही मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि द काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई हैव, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई बीन डूइंग, द कैरेक्टर्स आई बीन डूइंग, ऑल वर चैलेंजिंग, बट एक खास तेज़ी चाहिए होती है या एक ख़ास तरीका चाहिए होता है आँख का. तो वो तो डेफिनेटली मैं डायरेक्टर को क्रेडिट देती हूँ, काशिफ भाई को, कि उन्होंने इतना ट्रस्ट किया. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक्टिंग जो है वो मोमेंट का गेम होती है. मैंने पहले से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया होता. काशिफ भाई हमेशा थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं कि बेटा इसकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज होगी, या पुत्र कहते हैं वो, तो इसलिए मेरे मुँह से पता नहीं चला. तो जो है ये था. अभी देखें जैसे मैं इस तरह यूँ खड़ी हुई हूँ तो ये मुझे हो गया, हम लोगों ने कुछ दिन काम किया है तो वो आपकी अपनी आम जिंदगी में भी कुछ उसके जेस्चर्स आ जाते हैं. तो एज सच मैंने कुछ काम नहीं किया था. आई वॉज क्वाइट, मेरे लिए बहुत बड़ा इसका चैलेंज था कि मैं उसको कर सकूँ. आई होप कि स्क्रीन पर उतना कन्विंसिंग लगे. अच्छा, लेकिन थोड़ी अनकंफर्टेबल होती थी आपके वो जो मेकअप एकदम से, कुछ सीन्स हैं मैंने देखे हैं कि वो डार्क मेकअप हो गया एकदम से. मेकअप को तो आप छोड़ दें, अनकंफर्टेबल होने वाली वो बॉडी लैंग्वेज है, वो थोड़ी सी अदा है जो मैंने अडॉप्ट करने की कोशिश की है. तो वो उसमें अनकंफर्टेबल नहीं थी. मुझे जो कैरेक्टर दिया जाता है उसके लिए तो आई एम हैप्पी टू डू दैट कैरेक्टर. लेकिन वो मेकअप तो छोड़ दें, वो तो सबसे माइनर चीज़ है. जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उसकी आँख है ना, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग थी कि मैं उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकूँ. ख़वातीन के इश्यूज भी हाईलाइट हुए हैं इसमें, बल्कि ख़वातीन के ही इश्यूज ज़्यादा इसमें हाईलाइटेड हैं. सो डू यू फील दे वेरी क्लोज टू योर हार्ट? ऑफ कोर्स. हमारे यहाँ पे इंटीरियर में, अंदरून, जहाँ पे औरतों के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वो एक बच्ची का है जो क्रिकेट खेलती है, लोगों की सोचने का आम तरीका क्या है वहाँ पे, तो वो आए वो सो ग्लैड कि इन तमाम इश्यूज़ पे हम लोगों ने बात की है, कशिफ ने बात की है, काशिफ भाई ने इसको बयान करने की कोशिश की है, और अल्लाह करे कि ये जो है लोगों तक वैसे ही पहुँचे जितना दिल से हम लोगों ने बनाया है. अब मेरे साथ मजीद कास्ट जो है उनमें से राइटर, ऑफ कोर्स एक्टर्स एंड और कुछ नए लोग आए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है जो खास ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बात करेंगे. बट बिफोर दैट मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाज अली अगेन जो कास्ट का एक अहम हिस्सा है, उन्होंने सेट पर रहते हुए जब हमसे बात की बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था और उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बताया. कम लेट्स टेक अ लुक एट इट. और फाइनली अब मेरे साथ है वहाज अली. वहाज प्ले करें कैरेक्टर जमशेद का. तो बताइए वहाज, जमशेद कौन है इसमें और जमशेद का कैरेक्टर किस तरह का है? जब भी मैं जिमी के बारे में सोचता हूँ, जमशेद के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि कहानी जमशेद के बचपन से शुरू होती है. तो फैज़ का एक बहुत मशहूर शेर है कि मेरी खामोशियों में लर्जा है मेरे नालों की गुमशुदा आवाज़. तो बिल्कुल ऐसा ही किरदार है ये कि इतना सब कुछ उसने अपनी ज़िंदगी में देखा है, इतनी तकलीफ़ें, कभी कभी तकलीफ इंसान की इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसे महसूस नहीं हो रहा होता कि अपनों से दूर जाने की तकलीफ़ ज़्यादा होगी या उसकी अपनी तकलीफ़ जो उस प्रोसेस में उसको मिल रही है वो ज़्यादा होगी. तो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव किरदार है. इट वॉज़ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस एंड आई एम ग्लैड के हम अब ऐसे मौजूदात पे गौर कर रहे हैं, ऐसी कहानियों को सामने लेकर आ रहे हैं, और आई थिंक
इन्हीं इसी तरह की कहानियों की जरूरत है हमसे। सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज भी इसमें हाईलाइट किए गए, खासकर खवातीन के मसाइल, सोसाइटी हमारे जो बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल चाइल्ड के बहुत सारे इश्यूज हैं, वो इस ड्रामे में हाईलाइटेड है। डू यू थिंक वहाज के ड्रामा इसलिए आपके हमेशा दिल से करीब रहेगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये वो सारे मौजूदात हैं जिन पे बात करनी चाहिए, और हम हमेशा बात करते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये कि हम किस अंदाज में बात करते हैं। हम अगर किसी को समझा रहे हैं, अपनी ऑडियंस को या किसी को भी, वो समझाने का जो अंदाज है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें कितनी गहराई है, उसमें कितनी कनेक्टिविटी है, उसको उसके साथ कितना वो आम फहम है, कितने आराम से लोगों को समझ आ सकती है, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी अहमियत, तो इस प्रोजेक्ट में आई थिंक वो है। एंड आई बिलीव के कशफ फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स में हमेशा से ही वो सेंसिटिविटी रही है, और मैंने पहली दफ़ा किया, लेकिन आई फील कि इसमें अगर मुझे करते हुए महसूस हुई है तो लोगों को देखते हुए महसूस होगी। राइट, इसकी बहुत बड़ी कास्ट है इस ड्रामे की। सबसे ज़्यादा जो सीन्स किसके साथ हुए और मज़ा किसके साथ सबसे आया in the scenes that you did? अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि इस कहानी में जितने भी एक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो बेहतरीन हैं, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। तो मेरे सीन्स थे नुमान सर के साथ, और हमारे बहुत सारे सीन्स थे और मुझे हमेशा बहुत मज़ा आया। एक तो अच्छी बात ये होती है किसी भी एक्टर के लिए कि आपको आपको सीखने को कितना मिल रहा है, और दूसरी अच्छी बात ये होती है कि यू आर इन सेफ हैंड्स, कि तो वो मुझे गलती करने नहीं देते थे, और मैं काशिफ सर, नुमान सर, मैं बहुत बेफिक्र होके सुकून से काम किया है कि मुझे पता है कि मेरा कुछ भी गलत काम नहीं जाएगा आवाम के सामने, तो मेरी जो गलतियाँ हैं बस यहीं पे पकड़ी जाएंगी और यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी, विच वाज फैंटास्टिक। अच्छा, लेकिन जब कोई सीनियर एक्टर, सीजन्ड एक्टर रादर, जब सामने आते हैं एक सीन में, तो कितनी घबराहट होती है या नहीं होती? घबराहट बिल्कुल होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, लेकिन एक यकीन होता है कि आप इन 4-5-15 मिनट या आधे घंटे से बहुत कुछ लेके जाएंगे, और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वो जो 15-20 मिनट या आधे घंटे का एक सीन होता है, वो कभी कभी आपको ऐसी चीज़ें दे दिया जाता है कि जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। मेरा रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। महाज को तो आपने देख लिया, यमुना को भी देख लिया, इससे पहले आपने और भी इस पूरे प्रोजेक्ट के, इस पूरी टीम के जो मेंबर्स थे उनसे मुलाकात की, मजीद एक्टर्स और बल्कि राइटर, एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो है हुमैरा आजम, शी सेक्रेटरी फॉर नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, वो मेरे साथ मौजूद है। दैट शी वुड रियली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि पूरा जो प्रॉब्लम है इसकी अभी फ़िलहाल क्या सूरत हाल चल रही है मुल्क में, और कितनी इसमें इम्प्रूवमेंट आई, और हुकूमत इसके लिए क्या मजीद इकदाम ले रही है इसकी बेहतरी के लिए। वेल हुमैरा, वेलकम आमना, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, एंड हुमैरा अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। सो लेट्स स्टार्ट विद आमना, क्योंकि कहानी तो आप ही पूरी जोड़ तोड़ कर रही हैं उसकी। तो ये कहानी काफ़ी मुश्किल थी लिखना, क्योंकि जब मसाइल की बात होती है सोसाइटी में, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मुश्किल उस तरह से टेक्निक वाइज मुश्किल नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि जब आप उन कैरेक्टर्स को बनाते हैं तो कॉमिक रिलीफ के बगैर जब आप लिखते जा रहे हैं, और जिस तरह का ये टॉपिक था उसमें कॉमिक रिलीफ क्या दिया जाता, तो ये टेक्निक वाइज एक मेरे लिए थोड़ा सा था इसमें इस चीज़ को देखना, और वो मैंने कई जगह कोशिश की थोड़ा सा डार्क ह्यूमर कोशिश करके ऐड करने की, क्योंकि जब मेरे लिए मुश्किल था तो देखने वाले के लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जो असल इसमें मुझे ज़रा मुश्किल पेश आई वो ये थी कि तमाम कैरेक्टर्स मेरे बहुत देखे भाले थे और उनकी कहानियाँ रिलेटेबल थी, तो इतने सारे लोगों का दर्द जब आप इकट्ठे एक अकेला सेट के ऊपर, तो बहुत से लोग होते हैं और आप देख रहे होते हैं तब भी बहुत लोग होते हैं, जब आप लिख रहे होते हैं तो उस वक्त आप तन्हा होते हैं, तो वो अपनी राइटिंग टेबल पे बहुत सारे लोगों की तकलीफ इकट्ठे सहना अकेले बैठ के, वो थोड़ा सा एक तकलीफ दे चीज़ थी।
जिसकी वजह से मैंने उसका कुछ अरसा गुजर गया, तो मैंने नेक्स्ट अपना स्क्रिप्ट को अभी तक इसीलिए स्टार्ट नहीं किया कि एक दफा मैं उस चीज से निकल आऊं, यानी उस इमोशनल पेन से। हाँ, क्योंकि कुछ चीजें बड़ी तकलीफ दे थी जो आप जब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा, और वो रियलिटीज है, उनको हम कितना भी शुगर कोट कर लें, लेकिन एक राइटर तो समझ सकता है ना कि आपका कैरेक्टर किस तकलीफ से गुजर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें थोड़ी सी थी। तो ये है कि हम थोड़े यूं समझ लीजिए कि जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसको होता है, मेरे साथ टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह, रोशाने तो एक आपके भी बातचीत भी हुई उनसे आपको अंदाजा ही है, और पहले भी जिस तरह से वो प्रॉब्लम्स को समझती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं, जो वो बाकी लोगों की प्रॉब्लम्स को समझती हैं तो वो एक राइटर के प्रॉब्लम्स को भी समझती हैं। तो जो उनका एक सपोर्टिव रवैया था, जो वो चीज़ों को समझती थी, करती थी कि जैसा लिखा जा रहा है उसके फ्लो के साथ चलना, वो सब करना, वो मेरे लिए बड़े हेल्पफुल लोग थे, मुनीजा आपा और फिर सबसे बढ़ के डायरेक्टर हमारे जो हैं काशिफ भाई, ये सब लोग, आगे फिर टीम आपने देखी, तो ये सारी चीजें मिल के फिर कहानी आगे जाके बनती है। तो उसमें मुश्किलात के बाद राहत, राहत यही राहत के एक अच्छी चीज बन के सामने आ गई आमना। लेकिन जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी सोसाइटी के असल प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऐसे कैरेक्टर्स थे जो आपने, जिनका एक्चुअली आपसे कोई इनकाउंटर हुआ हो आपकी असल जिंदगी में? देखिए तमाम, अब इतनी जिंदगी गुजार चुके हैं हम, खासी उम्र गुजार चुके हैं, नहीं काफी गुजार ली है वो। मैं अक्सर बात कहती हूँ और लोग हंसते हैं कि हम लोग इच्छाधारी नाग हैं, तो 100 साल पूरे हो गए हैं, तो इसलिए कभी इस शक्ल में भी आ जाते हैं। तो बात ये है कि इतनी जिंदगी गुजारी और बहुत सारे लोगों से मिली और बहुत सारी सतहों की जिंदगी गुजारी, तो एक राइटर में खुदा की तरफ से दी हुई अता होती है, इंकसारी अपनी जगह है लेकिन अता को समझना और संभालना अपनी जगह है। तो ये खुदा की तरफ से दी हुई एक आपको तोहफा होता है, अतिया है कि आप ऑब्जर्व करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितने भी कैरेक्टर्स थे वो ऐसा आर्टिफिशियल मेरे लिए कोई भी नहीं था तकरीबन। और जो गांव के कैरेक्टर थे, इवन जो नवीद आपा ने किया, ये और भी कैरेक्टर्स, इनसे जिंदगी में कहीं ना कहीं मेरा एनकाउंटर रहा है। अच्छा जी। और वो मैंने उनका दर्द समझा है हमेशा, लोग जज करते हैं लेकिन मैंने उनका दर्द समझा हमेशा, और उसमें मुझे मतलब वो उस तरह से आर्टिफिशियल नहीं मैं कह सकती कि जैसे एक स्टीरियोटिपिकल थॉट भी बन गई है ना हमारी कि हाँ ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं। कुछ लोग होते हैं जो मतलब मजबूरी को पोर्ट्रे करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मजबूरी शो नहीं कर रहे होते लेकिन आपको अंदाजा हो जाता है कि ये मजबूर है। तो इसमें जो मेरे कुछ कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे हैं, खास तौर पे जो नवीद आपा ने किया वो मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर था। अच्छा जी। क्योंकि वो हमें ऑल द टाइम हमें लगता है कि ये तो ऐसे नहीं है, लेकिन एंड में लास्ट मोमेंट में जाके हमें पता चलता है कि ये कैरेक्टर असल में था क्या। तो ये सब देखी भाली चीजें थी जिंदगी के, किसी ना किसी मोड पे ये मिलते हैं। अब तो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि वो कैरेक्टर कैसा था, क्योंकि एंड में क्या होगा। वेल उमर, यू आर ज़ुल्फी इन इट, राइट? यस, दैट्स राइट। ज़ुल्फी कौन है? आई मीन थोड़ा अगर आप बता सके। हाय, बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। इस सवाल का जवाब देना इसलिए मुश्किल है कि स्पॉयलर्स नहीं दे सकते exactly क्या बताएं क्या ना बताएं, लेकिन ये कह सकते हैं मेरे ख्याल से जस्ट कैरिंग फ्रॉम जो आमना जी ने जो कहा है, एंड वन ऑफ द रीजंस आई रियली एंजॉयड बोथ द कैरेक्टर एंड द स्क्रिप्ट, कि कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है, क्योंकि जिंदगी में कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, एवरी वन इज मर्की ग्रे। ज़ुल्फी भी ग्रे है, तो उसकी हर चीज जस्टिफाइड है, और ये जो जस्टिफिकेशंस हैं वो सारों के सामने आती हैं। हालांकि शुरू में खास तौर पे बहुत क्यूरियस होंगे कि क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है, लेकिन आती जरूर है। जिस तरह ने कहा कि जी द रोल दैट मिस नवीद शहजाद वाज प्लेइंग, उनका भी बिल्कुल इस तरह, हर एक का इस तरह है। सो एवरी ह्यूमन बींग इज ट्रूली अ ह्यूमन बींग, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। ज़ुल्फी इज वन ऑफ दोस, उसकी अपनी वल्नरेबिलिटीज हैं, वीकनेस है, कहानी है, और जिसकी वजह से वो जो कर रहा है कर रहा है, और जो नहीं करता या चेंज करता है चेंजेस, व्हाटएवर ही चेंजेस टू। मुलाकातें होती रहनी चाहिए, मुलाकातों के तालाब में काई नहीं जमनी चाहिए। कोट लेने आए हैं अपना? ले जी, हमारी बाजी सवेरा कहती हैं कि आपकी कोट के कंधे फोम के होते हैं। सही कहती है,
किसी मर्द के कंधे इतने चौड़े नहीं हो सकते। और वो ये भी कहती है कि किसी मर्द का सीना भी इतना चौड़ा नहीं होता कि हमें गले लगा सके। आपकी बाजी सवेरा बिल्कुल सही कहती है, आपको गले लगाने के लिए शेर का कलेजा चाहिए और हम तो इंसान भी नहीं। अच्छा, लेकिन आपके ज्यादा सीन्स किसके साथ थे कास्ट में? मेरे आई वाज फॉर्चुनेट टू अगेन टू हैव द ग्रेट टीम दैट आई वर्क्ड विद एक्टर्स के समेत मेजॉरिटी ऑफ देम मेरे जो थे वो यासरा रिजवी के साथ थे, यासरा के अलावा यमुना के साथ थे। And these are people I've just worked with short while ago as well, and I love their work, admire their work. So, in dono ke saath bahut pehle bhi kaam kiya hua saath ho, comfort level hota hai. Absolutely, the experience se bhi aur zat bazat the khud jaise wo khud hain apni zat mein, they're wonderful people and great actresses and actors. So it's great fun. I mean, Vahaj ke saath bhi hua, Tipu ke saath bhi hua, and of course Ms. Naveed Shehzad. As the first time I got to act with Naveed Shehzad. Acha, pehli dafa. I've never acted with her before. I mean, I know of her so well. Unke saath itna hai kaam, salam, dua. Acha, ye jo puri itni bhari bharkam team hai, ye jo cast hai, isme sabse zyada challenging kiske saath hota hai kaam karna? As in a character? As an actor. As an actor. I mean, because kabhi mushkil ho jata hai na kisi ke saath koi scene karna. Yes and no. I think जो सबसे ज़्यादा challenging होता है ना उसका वही होता है जिसका सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। For me, it has always been amongst this team, Numan Ejaz for me is like amazing. Naveed Shehzad साहिबा के साथ भी था because I mean I think ये दो लोग आप पास कहेंगे। बस नून से नाम शुरू होता तो समझें कि तो वही मेरा कोड था। But yes, both of them because it's so much fun and thrilling. It's like it's a little scary for an actor. Not कि जी वो आप intimidate हो रहे हैं उनकी awe में, they're not at all intimidating that way. लेकिन वो atmosphere एक ऐसा होता है कि आप उठ जाते हैं कैसे level पे, पाउट जैसे टिकते नहीं ज़मीन पे, and you're performing in an elevated state. लेकिन मुकाबला तो मैं नहीं कहूँगी, इतने मतलब अजीम actors हैं ये कि मुकाबला तो नहीं लेकिन challenge बन जाता है क्योंकि of course the experience that they carry. True, that is absolutely true. I mean, for me, ये जिन दोनों का नाम लिया मिसाल के तौर पे, ये तो हमारे लिए the legends, really, that's who they are. बिल्कुल. And to not just occupy that space, जैसे मैंने कहा कि उनकी तरफ से जो energy मिलती है, that truly lifts you as well. ऐसी जगहों में जो आपने खुद experience नहीं किया था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, you know, so it's really really great fun. चोरों का साथी है ये, इसके पास नशा और गोलियां, और दिखा दे रहा। मुफ्त में मैंने नहीं रखा इसको, एडवांस में रखो, आने वाले को दिया 50,000 रुपए। 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ ये जुल्म करना बहुत बड़ी ज्यादती है। वेल हुमैरा, ये तो हम थोड़े जो बिहाइंड द सीन्स हो रहा होता है वो जानना चाहते हैं बिकॉज इट्स ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इतने संजीदा और सीरियस टॉपिक्स के पीछे भी कुछ कहानियाँ होती है, क्या हो रहा था सेट पे, क्या नहीं, इतने सारे एक्टर्स इकट्ठे हुए हुए और वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इतनी बड़ी टीम भी हैंडल करने। तो अभी हम डायरेक्टर साहब से पूछेंगे कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल है तो काशिफ ही बताएंगे। Well, हमारा लेकिन ये जो नंबर्स हैं, जो एक्चुअल फिगर्स हैं करंट, ये क्या बताते हैं कहानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, कि पिछले कुछ सालों में या पिछली दो दिहाइयों के अगर आप फिगर्स ले लें तो क्या इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है? देखिए, मैं इसको थोड़ा इस एंगल से ज़रूर बात करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है टूवर्ड्स कर्बिंग दिस ईवल इन द सोसाइटी, और स्पेशली हमारा क्योंकि एंगेजमेंट जो इस सारे उसमें है वो सिर्फ नेशनल पर ही है, नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हम पे ये एक स्टिग्मा आ रहा था। इस पे बेसिकली जो नेशनल लेवल पे हमारी एजेंसी है FIA, वो इसको सारा हैंडल वो करते हैं और उन्होंने इस पे जो लॉज वगैरह बने हैं वो भी उनकी एफर्ट रही है और उससे ये बने हैं। Numbers are high. I cannot give you actually an exact figure right now because ये देखिए क्या कम हुए हैं या इजाफा हुआ है, क्या हुआ? I would say कि इसमें बहुत बेहतरी आई है पहले से। पहले ये ज़्यादा इस तरह था कि हमारा जो इंटर रीजनल लेवल पे भी हम सोर्स में भी आते थे, हम ट्रांजिट में भी आते थे और डेस्टिनेशन में भी आते थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, और उस एंगल से
सर्टन कुछ और कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा ये सॉर्ट ऑफ एक अग्रीमेंट भी था हाउ टू कर्ब इट. नेशनल लेवल पे हमारे अपने लॉज हैं जो कि ट्रैफिकिंग को जाहिर है उसके अगेंस्ट जो भी मेजर्स हैं और लॉन्ग टर्म इस पे अब इम्प्रिजनमेंट है, फाइन्स हैं, वो इस जो कि इस पे जाहिर है एक मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं और लिए जा रहे हैं. मैं थोड़ा सा इस सारे इनिशिएटिव पे हाउएवर आई वुड लाइक, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो लिसनर्स होंगे या देखने वाले होंगे उनको आइडिया नहीं है कि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन हाउ इज दैट इन्वॉल्व इन ऑल दिस, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी एंड इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी, बट इट डज रिफ्लेक्ट के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है खवातीन के हकूक की हिफाजत के लिए, ये कमीशन उसको बेसिकली इंश्योर करने के लिए बनाया गया है और उसमें इसका बहुत वाइटल रोल है. और एट द सेम टाइम आई विश के हमारे यूएन वुमेन के हमारे जो पार्टनर्स हैं वो भी होते, बिकॉज दे आर एक्चुअली द फंडिंग द स्पॉन्सरशिप वो उसमें हम एक्चुअली ये तीन पार्टनर्स की एक काविश है जिसमें कश्यप फाउंडेशन जो हैं वो की इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं एंड ऑब्वियसली hats off to them all this effort which is happening and we are all excitedly waiting for this of course of play. course it's a great initiative it's a great initiative lekin humera ye bataiye ki jo ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इलाके यानी जहाँ से लोग ख्वातीन या बच्चे उठाए जाते हैं इस क्राइम ईविल क्राइम के लिए वो कौन से इलाके हैं ज़्यादा? देखिए हमारे पाकिस्तान में तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जो कि रूरल साइड पे ज़्यादा हैं, साउथ में भी हैं सिंध में भी हैं और ज़्यादातर आई वुड से कि पंजाब और सिंध में ज्यादा उस तरफ से ज्यादा है. इंटीरियर की भी मैं बात कर रही हूँ और इसमें ऑब्वियसली कि ये कैसा इशू है कि इस पे अगर आप देखें तो इसकी इतनी टाइप्स हैं पाकिस्तान में, जो आपका डोमेस्टिक सर्विट्यूड है वो भी एक इसकी टाइप है. इट्स नॉट जस्ट कि एक हमारा तो एक कन्वेंशनल जहन में आता है ना कि देर इज अ trafficking for sex, there is trafficking for labor, forced labor, पर जो domestic servitude है वो भी इसी का हिस्सा है. तो उसमें अगर आप देखें तो वो तो from all over Pakistan आपको ये trend मिलता है जहाँ पे घरों में आपको मालूम है कि किस तरह कई बार बच्चों को रखवा दिया जाता है, बच्चियों को रखवा दिया जाता है and they are totally unable to break free from that bondage. और abuse takes place as well. फिर ऑब्वियसली वो एक उसकी नेक्स्ट जो स्टेप है वो भी उसमें बिल्कुल इट्स वेरी मच पार्ट ऑफ दिस होल क्राइम चेन आप कह लीजिए. राइट उमेर आप इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स करते रहे हैं बट इसमें जो इतनी कह लीजिए हमारी सोसाइटी की खौफनाक असलियत है रिफ्लेक्ट हो रही है इस ड्रामे में, ये आपको असरअंदाज मतलब ऐसी चीज़ें करती हैं असरअंदाज जब ऐसी नौयत के प्लेस? एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट. मेरे ख्याल से जैसे आमना जी ने कहा अगर मैं थोड़ा सा बोरो कर लूं और थोड़ी सी कोशिश करें ऑडियंस को एहसास दिलाने की कि आसान काम नहीं है, ये बतौर अदाकार भी अगर आप सिंसियरली करें तो वाकई आसान काम नहीं है, बिकॉज आप ऐसी एक कैफियत में मुब्तला होते हैं, एक ऐसी इमोशंस ऐसी फीलिंग्स आपकी निकलती हैं जो आपकी अपनी होती हैं और एक किरदार की होती हैं, आप ऐसे एक स्प्लिट पर्सनैलिटी होते हैं, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है वो ईविल जो वो कर रहे हैं. बिकॉज मैं बारहा हमेशा कहता हूँ कि कोई भी पैदाइशी गुनाहगार नहीं होता, एवरीवन्स बॉर्न इनोसेंट. हम बतौर सोसाइटी कुछ करते हैं या नहीं करते हैं विच रेजेस दीज पीपल टू डू दीज थिंग्स, लिहाजा हमें ये चीजें करनी चाहिए ताकि अवेयरनेस बढ़े, ताकि हमें अंदाजा हो कि भाई किसकी क्या कमी रह गई है, हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं ताकि बच्चों की इस तरह की परवरिश ना हो. बट द अदर थिंग इज जो मेरी जात है जिसको बार बार तकलीफ होती है, आई मीन फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए जो एंड आई कैन से इट आउटराइट, हर एक को अपना पता होना चाहिए मेरे लिए सबसे वीकेस्ट अगर मुझे तोड़ना है ना तो किसी बच्चे के साथ कोई भी चीज़ गलत हो या उसकी तकलीफ हो ज्यादती हो दैट ब्रेक्स मी डाउन, आई जस्ट कांट हैंडल इट टू द एक्सटेंट कि मैं स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता. आप इमोशनल हो जाते हैं ऑब्वियसली. कंप्लीटली आई कंप्लीटली ब्रेक डाउन, आई कैन सी लॉट्स ऑफ ईविल बट आई कांट सी दैट. करो याद तुमने ये वादा किया था,
हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। इधर आ तू, मुझे घर जाना है। ये देख रहा है, ये भी कहता था मुझे घर जाना है, मुझे नहीं पता मुझे घर जाना है। फिर ये अंधा हो गया। आमना, लेकिन ये अगेन ऐसे जो सीरियस मौजू होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगेन जो इस प्ले का मेन, जिसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूम रही है, इसमें आपको रिसर्च भी करनी पड़ती होगी बहुत ज़्यादा। रिसर्च बिल्कुल करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो एक फ़ायदा बहुत था वो ये था कि रिसर्च ऑलरेडी इन लोगों के पास, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे अभी बताया इन्होंने, इनके पास रिसर्च्ड ये चीज़ें सारी थी जो कि मुझसे पहले वर्कशॉप में डिस्कस की। पहले वर्कशॉप हुई थी जिसमें ये स्टोरी इस तरह की डिस्कस हुई, ट्रैक्स भी मिलके बनाए गए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्टोरी में अगर मैं करती तो मैं वही जो अभी रोशाने ने बात की कि हम लोग इस तरह ट्रेंड हो गए हैं या इस तरह करने लगे हैं चैनल्स के ऊपर, एक हम इस फॉर्म में उसको ले आते हैं कि देखने वाले समझ लें, तो हम थोड़े कैरेक्टर्स में कहानी चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आप उसे थोड़ा छोटा कर देती, कास्ट को कम कर देते तो उससे वो कैरेक्टर्स उस तरह खुल के सामने ना आते। चूंकि मेरे साथ एक टीम थी जो सपोर्ट कर रही थी, जिसके पास रिसर्च भी थी, और अगर मुझे कहीं पे कोई क्वेश्चन होता, लाइक ब्रॉथल के माहौल के लिए हमने बड़ी, मतलब आपा ने, मुनीजा आपा ने, पूरी एक टीम हमारे साथ थी जिसने बैठ के मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बेशक कि मैं कह रही हूँ कि मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है, लेकिन मैंने एक मेल पर्सपेक्टिव से उस तरह नहीं देखा हुआ था। और कई चीज़ों पे हमारी बहुत बहस हुई, मतलब यहाँ तक बात होती थी कि मैं कहती कि वहाँ जाने वाला शख्स बुरा है, तो कहते ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ जाने वाला शख्स बुरा है, तो इस अच्छा, पे बात इतनी, करें। इतनी छोटी डिटेल, मतलब हमने डिटेल इतनी बात हुई, इतनी बात हुई, फिर आपा कोई इस तरह का लाती थी शख्स जिसका ये इनपुट होता था, हम बात करते थे, समझते थे, तो मेरे सारे क्वेश्चन स्क्रिप्ट लिखने से पहले उनके ऊपर बहुत बात हुई। तो वो रिसर्च का जो एक होता है कि अकेले आप कर रहे होते हैं या कुछ ऐसे लोग जो उससे मुखलिस नहीं होते उस मौजू से, वो सिर्फ आपको सुनी सुनाई या उस फिल्म में देखिए ना ऐसे हुआ था, उस फिल्म में देखिए, वो इस तरह की मसनूई बातें नहीं थी, सचमुच के लोग थे, रियल कैरेक्टर्स थे जो उन चीज़ों से गुजरे हुए थे, उनसे बात कर करके। उसके बाद ये होता है कि जाहिर है वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो आपके जहन में चली गई, आप सोचते रहे, कैरेक्टर तो आपके भी जहन में आया हुआ होता है ना, वो फिर मज़ीद वाज़ हो जाता है, मज़ीद आपको जब एक और बाहर से इनपुट मिल जाता है तो वो और बेहतर हो जाता है। जहाँ तक कहानी की बात है, तो आप देखिए कि जो कहा जाता है कि उर्दू का पहला नावल है, वैसे इस पर भी बड़ी वो है कि कौन सा पहला नावल था, उमराव जाना था, तो वो भी वुमेन ट्रैफिकिंग पे, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो कहानी तो हम खड़े वही हैं कि दो लड़कियों की जिंदगियां जो है वो तब्दील हो जाए। एग्जैक्टली, हम वहीं खड़े हैं, वही कहानी है, और आप जब इसको खोल के देखेंगी तो आपको अंदाजा होगा कि बेसिकली ये उमराव जान अदा ही है, लेकिन आज की मैंने उस पे बेस नहीं की। जब मैंने इसको स्क्रिप्ट को एंड में पढ़ा तो मैंने कहा भाई ये तो वही कहानी है। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। मतलब प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम वही है, आज भी वही प्रॉब्लम है। वो लखनऊ है 1856-57 का, ये पाकिस्तान है 2020 का, लेकिन औरत तो नहीं चेंज लेकिन उस हुई। मसले में आज तक झगड़ी हुई, वो वही की वही है, कभी बेचने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है, लेकिन बदल गए, जराए बदल गए, लेकिन प्रॉब्लम वही है, करेंसी बदल गई, पहले शर्फियों में बिकती थी, आज डॉलर्स में बिक रही है, लेकिन है वो वहीं पे। तो स्टोरी वहीं, और रिसर्च इन लोगों की बड़ी एक हेल्प भी थी, और फिर वही बात की कहानी, ये इतनी देखी भाली कहानी है, इतनी देखी भाली कहानी है, और सिर्फ बिकना जो है ना वो तो एक अलामत है, आप समझ लीजिए। वैसे ये तो सही उसके आपको आदाद शुमार भी बता रही हूँ मेरा कि क्या सिचुएशन है पीछे, पाकिस्तान में क्या है, इंटरनेशनली पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये ग्लोबली एक अलामत है। आज भी औरत एक पोजेशन समझी जाती है, उसको कोई बेच सकता है, उसको कोई खरीद सकता है, माइंडसेट नहीं चेंज हुआ, कमोडिटी के तौर पे लिया जाता है। एग्जैक्टली, और उसमें इसमें तो बच्चे भी शामिल हैं, सिर्फ औरत ही नहीं बच्चे भी, बच्चे भी क्योंकि कमजोर होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो ये मसला तो हमेशा से चला आ रहा है। उमर, हाउ एक्साइटेड आर यू? आई एम थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड बिकॉज़ मल्टीपल रीजंस। मुझे याद है कि जब ये
और मैं अभी ऑफ एयर मेरा जी को यही बता रहा था कि जब मैं आई वाज कमिंग डाउन फ्रॉम कराची एंड आई वाज ड्राइविंग अप, मुझे रोशान ने बुलाया था कि इवेंट है उसको मॉडरेट कर, ठीक है सर, ऑफकोर्स हल्का. तो आई वाज ड्राइविंग अप और मुझे कॉल थी फ़ोन पे एंड मुझे एक प्रोजेक्ट था जिसको मैंने ज़बरदस्ती डिक्लाइन किया, लिटरली यूं उतारा हाथों से. और मुझे हुआ कि यार ये मुझे करना पड़े, शर्मिंदगी भी हो रही है, तकलीफ भी हो रही है, लेकिन आई हैव टू गेट द ऑफ. और मैं वहाँ गया और ये हुआ और इत्तेफाक से मैंने उसके एंड पे ये बात कह दी कि लंबी है गम की शाम मगर शाम नहीं. और फिर रोशानी जी आई मेरे पास, उन्होंने कहा मैं एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मैं चाह रही हूँ उसमें किरदार वाकई तुम उसमें बैठोगे. मैंने कहा अच्छा बताइए. कहते तो उसका नाम है दिल ना उम्मीद तो नहीं. शेर मैंने यही नहीं अभी तोड़ा क्रिसमस लव्स का पढ़ा. फिर मैं एंड आई वाज लाइक आई सेड ब्लाइंडली आई सेड हु इज डायरेक्टिंग काशिफ. मैं कहा आई मीन आई एम कंप्लीटली बिकॉज अगर रोशानी है, कशफ है, कॉज उन्होंने मुझे बता दिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग वुमेन का है और काशिफ की टीम है. आई मीन यू टेल मी वेयर टू साइन एंड व्हेन टू साइन, आई एम डन. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. और साल हो गया बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह ये पहुंचा है. So yes, I'm super excited. And I'm excited because January is my month of birth. So I'll be celebrating my birthday while watching this on air. Wow, how nice. And yeah, I'm really looking forward. How nice is that? That's wonderful. That's wonderful. So Humaira, एक इधर आपसे conversation wind up करने से पहले मैं जरूर ये पूछना चाहूँगी कि आपने कहा South Punjab interior sense से बहुत ज़्यादा human trafficking होती है. ज़्यादा जो बाहर लेके जाते हैं इन बच्चे बच्चों को या खवातीन को, ये कौन से ममालिक ले जाए जाते हैं? ज्यादातर एक्चुअली जो हमारे मुल्क से जो जा रहे हैं वो तो सेंट्रल एशिया में पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड था ले जाने का भी, और वहां से बहुत ज्यादा उधर से आने का भी था. लेकिन कई जगह लाइक आई सेड कि इट वाज मोर ऑफ अ ट्रांजिट एंड destination was elsewhere, maybe to Middle East mein aur isi tarah even in within the region, matlab isi region ke andar bhi hai. Aur yes, I would say ke well known Kashyap Foundation jaisa ek idara hai jo ke isko kar raha hai, to we have this level of confidence ke jo end product hai, because I was just telling Umair ke it's a total surprise for us and UN women, though we are very much in at the back sponsoring, giving full support, lekin humne sari cheeze jo, because we understand ke we are in very safe hands right with the our implementing partners, so we are looking forward to that. So but it is a surprise for us. So hum I'm hoping ke jo facts figures inse initially share kiye gaye the wo reflect bhi honge. अवेयरनेस के एंगल से भी ये हमारा जो ड्रामा है ये बहुत प्रोडक्टिव होगा. एंड एट द एंड ऑफ कोर्स लेट्स होप दैट इट विल हैव दैट इंपैक्ट कि जहाँ पे पॉलिसी पे या इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली ऑफ द लॉ इज रिक्वायर्ड, इट विल ऑफ कोर्स हैव एब्सोल्युटली. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. जस्ट से ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल में हमने लिटरली कल परसों कल रैप अप किया, उसमें माय फेवरेट सीन हैपेंड विद यमुना और उसमें एक लाइन थी विच आई रियली एंजॉयड. आई वुड लाइक टू पर्सनली थैंक ऑल द इंस्टीट्यूशन, सारे इदारे, FIA एंड ऑल द अदर्स जो किसके लिए काम कर रहे हैं वाकई जहाद कर, एंड अल्लाह इनको इंशाल्लाह सवाब देगा इसका. बट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो कि उस लाइन में भी थी कि कोई एक फ़र्द सब कुछ नहीं बदल सकता, तो हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना, हर एक को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा. बिल्कुल. अब हमने हिस्सा अपना डाल दिया है और उम्मीद है कि लोगों में यही फिर एक जोश उजागर होगा कि वो भी अपना हिस्सा डालें, उनको कोई चीज नजर आए कि इस तरह की कोई चीज हो रही है या हो सकती है, उसको शुरू में ही जड़ों में काटें या मदद करें या इदारों तक रीच करें, जो भी करना पड़े करें, जरूर बात करें, इसके ऊपर गुफ्तगू करें ताकि चीज रुके. वरना इंसान कभी भी एक कमोडिटी के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए. बिल्कुल. ये वो शय है तौबा नाउज़ुबिल्ला जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से खत्म कर दिया था. उन्होंने कहा जहां से सोर्स आ रही है उसको भी तोड़ो और जो है उनको आजाद करो. और ये वो थे जिन्होंने कहा था कि औरत और गुलाम जो है वो हमारी तरह बराबर है,
जिस पे काफिरों ने कहा था कि ये दीवाना है तो बनाओ ज़ुबिल्ला. सो हमारी तो दीन में भी ये है. सो वी हैव टू प्रैक्टिस इट एज अ सोसाइटी. एब्सोल्युटली. और आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप लोगों ने अपना हिस्सा डाल दिया, चाहे वो बतौर एक्टर हो, चाहे बतौर राइटर हो, डायरेक्टर हो. एंड कशफ के साथ मिलके जो आपने इनिशिएटिव लिया व्हिच विल बी सून एड ऑन TV1, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. और वही बात कि सोसाइटी को सिखाएंगे तो वो सीखेंगे. वेल थैंक यू ऑल. क्योंकि अब फाइनली कह लीजिए कि जो मेन वो कहते हैं ना फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए काशिफ आ रहे हैं, द डायरेक्टर ऑफ द सीरियल. तो उनसे बात करते हैं, उनके साथ रोशाने हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. एक चीज, अब काशिफ आएंगे ना, इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी उनसे पूछिए कि मुझे ज़रगाम क्यों कहते हैं. ज़रगाम? हाँ. अच्छा, ज़रगाम क्यों कहते हैं उनसे पूछिए. वेल जरूर. तो आपकी बर्थडे मंथ में रिलीज होने जा रहा है ये टीवी प्ले. थैंक यू. थैंक यू. मेरा रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले. एंड फाइनली मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ निसार विद रोशाने जफर. रोशाने, आपसे तो गुफ्तगू हुई है पहले. अस्सलाम वालेकुम काशिफ, हाँ भी हो, कैसे हैं आप? शूट आपका खत्म हो गया, ड्रामा और ऑन एयर होने वाला है जल्दी. जी जी, वी आर डन विद द शूट. आप रिलैक्स शुक्र कर रहे होंगे. बड़ा स्ट्रेसफुल रहा ये वक्त, ये ना पूछे इनसे. अच्छा, कोरोना भी था देखे ना. अब वो जो SOPs फॉलो करने हैं, एक तो वो एक कॉम्प्लिकेशन साथ साथ, फिर साथ में इतनी बड़ी टीम को हैंडल करना. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट काशिफ? ये वैसे ही कोरोना ना भी होता तो एक मुश्किल प्रोजेक्ट था ये, क्योंकि काशिफ ये तो ना कहे. नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि अपने मौजू के हिसाब से और जितना ये फैला हुआ था, तो ये ड्राइंग रूम ड्रामा नहीं था. बिल्कुल वैसे ही मुश्किल. ये तो एक फैक्ट है, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ कैमरा रख दिया जाता है आजकल ड्राइंग रूम में और कहते हैं कैरेक्टर्स को ले आए हम. तो हम इस ड्रामे में कैरेक्टर्स जा रहे थे और कैमरा उनका पीछा कर रहा था. तो ये कहानियाँ हैं, रियल लाइफ स्टोरीज हैं और जर्नीज हैं. बेतहाशा लोकेशंस थी. तो उसके साथ फिर जब कोरोना एंड हो गया, लेकिन कहते हैं ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, सो ख़त्म हो गया, बहुत अच्छी बात है. वेरी होपफुल कि हमने कोई ढंग की बात की है, हमने कुछ कहा है, सब्सटेंशियल बात की है, कि तसल्ली भी हुई है कि कोई एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है उसको आप प्रेजेंट किया है. बट ये प्रेजेंट करना ना, यानी ये डायरेक्टर का काम है, बड़ा ही मुश्किल काम है. कहानी भी आपको मिल गई अच्छी आमना से, वो लिखती इतना अच्छा है, लेकिन अब उसे जब आपने स्क्रीन पर लेकर आना, वो बड़ा चैलेंज है. तो वो आपने कैसे हैंडल किया स्टोरी को? क्या जहन में आपके क्या था कि मैंने इसे कैसे प्रेजेंट करना? जिन एरियाज को हम टच कर रहे थे ना, वो बड़े बड़े सेंसिटिव थे. अब हमारी सोसाइटी में जहाँ हम इंसान को लेके तो बहुत इनसेंसिटिव हैं, लेकिन टैबूज को लेके ओवर सेंसिटिव. तो सबसे बड़ा टास्क ही यहाँ था कि इसको इतना प्रेजेंटेबल बना दिया जाए कि लोग देख लें, क्योंकि मौजू बहुत डार्क थे, बहुत अगली थे. उनको स्क्रीन पे लेके आना इस सोसाइटी में और देखने के काबिल बनाना, सबसे बड़ा टास्क यही था. कि लुक एंड फील क्या होगी? औरतों को इस तरह से दौड़ना भागना बहुत बुरी बात है. क्यों, औरतों की टांगे नहीं होती? आपको बच्चियों के बाहर खेलने से एतराज है? महज एतराज? मुश्ताइल का ये मोहतरमा मुश्ताइल, कभी कभी दूसरे के लिए अपनी पसंद को बदलना पड़ता है. आपने बदला है कभी किसी दूसरे के लिए अपनी पसंद को? ये मजबूर लोगों का काम है. मुझे ब्लैक कॉफी, सिगार और बदमिजाज लड़कियां बहुत पसंद है. अच्छा, तो रोशाने एंड काशिफ, आई सी यू मेक अ गुड टीम जनरली. सो जब कहीं कभी बहस तो होती होगी कुछ ना कुछ टॉपिक पे आप दोनों के दरमियान? हाँ, डेफिनेटली शुरू में हुई थी. पर्सपेक्टिव्स फर्क होते हैं, किस तरह उसको प्रेजेंट करना है, कितना एक्सटेंड तक उसको लेके जाना है. बट जनरली आई थिंक हमारी उस तरह इख्तलाफ नहीं हुए, हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी. हम फिर उसको डिस्कस करते थे, फिर सोचते थे,
फिर उसको हर पहलू और हर जाविये से डिबेट करते थे और मुनीजा आपा का इसमें बहुत अच्छा रोल था बिकॉज वो विजडम लाती थी और मेच्योरिटी लाती थी. हम शायद उसको एक एंगल से देखते थे मगर फिर वो हर एक को हर एस्पेक्ट से उसको कर लेती थी. अच्छा कास्ट कौन डिसाइड करता था? वो तो हमने म्यूचुअली कास्ट और कास्टिंग बहुत अच्छी है कि इस रोल के लिए यही होनी चाहिए. जो मेन रोल था उस पर हमारे पास दो तीन ऑप्शंस थी लेकिन फिर जो हमने डिसीजन ली यमुना पर आई थिंक दैट वाज द बेस्ट चॉइस वी डिड. बट हमारी कोई ऐसी आई होप काशिफ ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ. आई एम वेरी हैप्पी विद द कास्ट. बहुत अच्छी कास्टिंग है इसकी. बड़ी बहुत बैलेंस कास्टिंग है और अच्छी बात है कि जिस रोल के लिए जो कैरेक्टर होना चाहिए था वो हमें मिल गया लकीली इस दौर में भी. तो मैं बहुत होपफुल हूँ कास्टिंग और हमारे पास बहुत बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेज. बिल्कुल बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं यमुना की अपना उमेर की यासरा की. जामनी जामन का रंग कहा था मैंने. बड़ी मुश्किल से मिला. लगा ले. तू ही लगा ले वो भी मुंह पे अपने. आज जानवरों के भाव खरीदी गई है कल को गोश्त के भाव बिकेगी. सुन रही हो तुम? तो कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलूं मैं? ऐसा कौन सा नया काम होने जा रहा है? आंटी नहीं खरीदेंगी तो कोई और खरीद लेगा. आपा नवीद शहजाद मतलब मेरे लिए तो इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू. मैं नवीद आपा मतलब नवीद दबाव को मैं डायरेक्ट नहीं कर सका बिल्कुल. मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं मतलब हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी. मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं उनको डायरेक्ट करूं. मैं उनसे डिस्कस कर लेता था क्योंकि मैं हमेशा से उनको बहुत एडमायर करता रहा हूं. वो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी नवीद शहजाद को डायरेक्ट करना. अच्छा लेकिन बाकी सब अभी जो कास्ट आई हुई थी उनका खास ये कहना था कि बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सेट पर आकर सोचते हैं लेकिन आप बाहर डायरेक्टर हैं जो सीन से या फिर सेट पे आने से पहले सोच कर आते हैं कि मैंने आज ये करना है ये लुक एंड फील होगी एंड दैट्स द राइट वे टू डू थिंग्स व्हेन यू आर डायरेक्टिंग. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खैर आपकी तारीफ हो रही थी. नहीं इसका तो खैर कोई फार्मूला है नहीं. मैं फील पे जाता हूँ. सीन पढ़ते हुए एक फील सी डेवलप होती है एक एनवायरनमेंट सा डेवलप होता है क्योंकि एक हर सीन भी एक कहानी सुना रहा होता है ना. एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा एक सीन होता है जो कुछ कह रहा होता है. तो मेरी कोशिश ये होती है कि किसी भी सीन को इंटरप्रेट करते हुए या प्रेजेंट करते हुए उसका जो एसेंस है कि वो सीन क्यों है वो क्या कह रहा है या उसमें मौजूद कैरेक्टर्स क्या कह रहे हैं वो बेस्ट वे में आप इंटरप्रेट कर रहे हैं. तो मैं बट यू रियली थिंक बिफोर कमिंग ऑन द सेट. बात सारी है कि आप सोचते हैं आप उसमें थॉट डालते हैं. ओवरऑल होता है मतलब ओवरऑल जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता हूँ पहली बार दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार तो तब चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. आपको खाके नज़र आने शुरू हो जाते हैं स्केचेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं लोकेशन के कैरेक्टर्स के. वही मैं कैरी करके चलता हूँ. मेरा ऐसा बहुत होमवर्क नहीं होता लेकिन मुझे शायद कैरेक्टर की फील का अंदाजा होता है. सही गलत या अच्छी की बात नहीं करा जो भी मुझे होता है. ये सही नहीं कह रहे वैसे ज्यादा ही मॉडेस्ट हो रहे क्योंकि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इन्होंने स्क्रिप्ट को जितना इंटेंसिवली पढ़ा था और यहाँ तक कि एक एक डायलॉग एटलीस्ट मेरे साथ जितनी भी इनकी रिव्यू होती थी तो वो फिर बहुत सी इन्होंने डायलॉग जो हैं वो निकाले भी थे बिकॉज उनको लग रहा था रेपिटिशियस है. तो ये जो आपको कह रहे हैं ना कि मैं इतनी मेहनत नहीं करता ये वैसे ही कर रहे हैं. थैंक गॉड हाँ शुक्र नहीं कर रही क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडेस्टी है. इतने डाउन टू अर्थ है कि ये नहीं बताएंगे आप. अच्छा रोशानी आपके जो स्टोरी लाइन है विमेन एम्पावरमेंट अब्यूज ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे माशरे के अहम इश्यूज़ को आपने उठाया है और आपकी फाउंडेशन भी इन्हीं के लिए काम करती है. लेकिन जब हम एक बड़ा एक कोई कमर्शियल सा ड्रामा देखते हैं उसमें ऐसे बातों में एक औरत को थप्पड़ पड़ जाता है जैसे कोई बात ही नहीं थी और फिर माफ़ी मांग ली जाती है तो आपके दिल को ठेस पहुँचती है ऐसी चीज़ें देखें क्योंकि जिस मीडियम के थ्रू वो चीज़ दिखाई जा रही है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम टेलीविजन. वो चीज सोशल मीडिया पर भी शेयर होगी. वो थप्पड़ सोशल मीडिया पे 50 करोड़ दफा शेयर होगा यानी 50 करोड़ दफा उस बात को इनफैक्ट इनकरेज किया जा रहा है. हाँ बिल्कुल वो नॉर्मलाइज कर देते हैं ना उसको फिर ये आम सी चीज लगती है कि अच्छा थप्पड़ मार लिया कोई बात नहीं.
इट्स नॉट अनहोनी सी बात नहीं है. हाँ, क्या फर्क पड़ता है. और औरत जो है वो तो है इसीलिए, ऑब्जेक्टिफाई कि हाँ इसीलिए है. और फिर उसको विक्टम एज अ विक्टम दिखाया जाता है. अमूमन हमारे जितने भी ड्रामे हैं, औरत ही औरत की दुश्मन है. दैट्स टर्म नंबर वन. दूसरी, जो औरत है वो विक्टम है. जिस भी सर्कमस्टांस में वो है, बस उसको वो चुप करके बर्दाश्त करना है, क्योंकि अगर वो उठ खड़ी होगी तो वो बुरी औरत बन जाती है. और चौथी चीज ये है कि अगर वर्किंग वुमन है तो बस समझे वो तो वैसे ही बुरी है. तो ये चार पांच जो हैं. और मर्द जो है वो जो मर्जी करे वो फिर भी अच्छा है, ही कैन गेट अवे विद एनीथिंग. तो वो दूसरी शादी भी कर ले, मजबूरन कर ले, तो वो भी ठीक है. सो वो तो वो ये नॉर्म्स हैं जो आप आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं और जो सेल कर रहे हैं आप, द स्टोरीज दैट यू आर सेलिंग. बट जैसे मैं पहले सेगमेंट में भी कह रही थी, है ना, हम अस्यूम करते हैं कि हमारी ऑडियंस जो है वो कोई नई चीज़ पसंद नहीं करेगी. हमने खुद ही ये अजम्पशन लगा दी और हम वही कॉन्टेंट बार बार बना के भेजते चले जा रहे हैं और दिखाते चले जा रहे हैं. तो रिस्क तो लेनी पड़ती है ना, किसी को तो पहल करनी पड़ती है. तो ये मौजू जब आते हैं आगे तो पीपल एक्चुअली वॉच देम एंड दे डिबेट अबाउट देम. और फिर वो एक डिस्कोर्स शुरू होता है और फिर एक अवेयरनेस आती है, एक डिबेट शुरू होती है, उसमें बहस शुरू होती है, उसमें उसकी एक्सेप्टेंस शुरू होती है उसी डिबेट से. जी, और जो बात काशिफ कह रहे थे कि ये मौजू जो है ना, ये दिखाने के लिए सेंसिटिविटी बहुत चाहिए, क्योंकि इनको ग्लैमराइज नहीं करना. अब वो थप्पड़ पड़ा है तो अगर तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे कि वो बड़ा यू नो इट्स ग्लोरिफाइड, के तो फिर तो वी आर सेइंग कि इट्स ओके, इट्स एक्चुअली इवन बेटर टू डू दिस देन नॉट टू डू इट. मेरा रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले. सो वो जब आप ऐसे मौजू दिखाते हैं जिसमें अब्यूज है, वायलेंस है, तशद्दुद है बच्चों पे खास तौर पे, तो आपको बहुत सेंसिटिवली करना पड़ता है. और मेरे ख्याल से काशिफ से बेहतर आज कोई डायरेक्टर नहीं है जो इसको एब्सोल्युटली आई कंप्लीटली एग्री यू नो स्क्रीन पर ला पाए. तो वी आर लकी दैट वी हैड हिम. एक बात बताइए, ये जो कमर्शियल वाला थप्पड़ होता है कि एक औरत को पड़ गया एंड शी इज द विक्टिम एंड इट्स ओके क्योंकि उसके मियां ने उसे थप्पड़ मार दिया, इस थप्पड़ से रेटिंग कहते हैं बहुत आदमी, कैसे होता है? मैं कभी ये समझ पाया नहीं, मुझे समझ नहीं आया. ऐसा है, ये रियलिटी है क्या? वो मुन्नू भाई ने एक बार कहा था कि वो शहर के सारे कुत्ते अगर कुचला खा के मर जाए ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको कुचला पसंद था, इसका मतलब है कि उनको कुचला दिया गया था. तो आप जब दिखाई रहे हैं, एक चीज दिखाई जा रहे हैं, दिखाई जा रहे हैं, और आप ये सोच के बैठे हैं कि इसका इम्पैक्ट आना है या इस नौयत का आना है, एक औरत को आपने एक दड़बे में बंद कर दिया है और बस वो आप कैमरा कभी उसके दाएं से कभी बाएं से दिखा रहे हैं, उसकी मिजरी को बेच रहे हैं आप, तो अगर आप ये तय कर बैठे हैं तो इसका तो कोई हल नहीं है. आप अगर पिछले पाँच सात साल पुरानी चीज़ें देखें ना, जिसमें जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका इम्पैक्ट हुआ, वो कोई भी फार्मूला नहीं था, किसी में औरत को मार नहीं पड़ रही थी. अगर आप हमारे पिछले 5 साल देख लें और बड़े बड़े प्लेस देख लें जो हिट हुए या जिनका इम्पैक्ट था, उनमें से कोई भी ऐसी कहानी नहीं थी जो औरत की मिजरी को लेके. लेकिन अब आजकल तो यही नजर आ रहा है फ्रेंड, ये फार्मूला है ना एक. इनफैक्ट आप इस तरह के एक चैनल एक हफ्ते में 28 प्रोजेक्ट्स ऑन एयर करता है, उसमें से 26-27 इस पे कर रहा है, उसमें से एक आध अगर पसंद किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल इस बात की वो नहीं करता, दलील नहीं है कि ये देखा जा रहा है. स्टीरियोटाइप, हम हर चीज को स्टीरियोटाइप कर चुके हैं, प्लॉट को, कहानी को. इस स्क्रिप्ट में और इसमें खूबसूरती ये थी कि हमने स्टीरियोटाइप को तोड़ने की कोशिश. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा कोई करेक्टर ऐसा नहीं है इसमें जिसका मकसद हयात अपने भिनोई अपनी बहन की तलाक करवा के अपनी भिनोई से शादी करना हो. हम बिल्कुल भी सोसाइटी में जादू के इम्पैक्ट को डिस्कस नहीं कर रहे, हम बिल्कुल भी ये डिस्कस नहीं कर रहे कि मन्नत मानी जाए या ना मानी जाए. 2020 में हमको रियल लाइफ स्टोरी सुनानी पड़ेगी. बिल्कुल, अगर आपने इस टेलीविजन को बामकसद रखना है. लाइक अगेन आई सेड के जिस तरह पहले बात हुई कि काशिफ फाउंडेशन ने जो पहले ऐसे एकदम लिए हैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया गया, ऑडियंस ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, इसलिए शायद उम्मीदें ज्यादा जुड़ी हुई हैं इस प्लेस से. आपकी भी उतनी उम्मीदें, आपको लगता है कि अगेन उसी ये जो अभी एक ट्रेंड चला हुआ थप्पड़ मार देना, ये करना, बहन बहन का घर तोड़ दिया है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है,
ये सब नहीं हो, ये सब रिजेक्ट करके सोसाइटी अब इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए दोबारा से तैयार है। एक तो मुझे ये भी लगता है कि आप अपनी ऑडियंस को इस तरह के मौजूद दिखा के आप उनकी उनके इंटेलेक्ट का या कॉमन सेंस का मजाक उड़ा रहे होते हैं। कम से कम आप ये कहते हैं कि जी आज ड्रामा देखने वाली ऑडियंस है ही हाउसवाइफ या माँ है या औरत है या बहन है, तो आप मजाक ही उड़ा रहे हैं फिर उनकी सेंसिबिलिटी का भी और उनके इंटेलेक्ट का भी और इनसेंसिटिव भी हो रहे हैं। यस बिल्कुल अस्यूम कर रहे हैं, अस्यूम कर रहे हैं कि वो इतने ही डांस है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी है, बहुत मतलब मुझे अपनी माँ याद है, उसके यहाँ बेतहाशा विजडम थी उसके यहाँ। ठीक है, तो हम ये मतलब मुझे जो कहना था वो उसकी तो मैंने भरपूर कोशिश की और मुझे देखने वालों की जहानत पे इतना यकीन है कि कम से कम इस पे अच्छा रिसीव जरूर करें। राइट, और इससे ना एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो भी मैं बताती हूँ कि मेरी उम्मीद इस पे क्या है। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब ये स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट लिखा जा रहा था तो हमने कहा कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं होगा। अगर आप जब ये ड्रामा देखेंगी तो हर कैरेक्टर में अच्छाई भी है और बुराई भी है, जो कि इंसान उमेर राणा ने भी अभी एग्जैक्टली, सो यू विल सी दैट बिकॉज़ ये हर इंसान में ग्रे होता है। राइट, और हम जब अपने आज की स्क्रिप्ट्स देखते हैं तो वो एक बुरी औरत है तो बस वो बुरी औरत है और वो उसी तरह रहेगी, और यू नो द ब्लैक एंड वाइट हम दुनिया ऐसे दिखा रहे हैं लोगों को, विच इज नॉट ट्रू। ह्यूमन नेचर इज वेरी कॉम्प्लेक्स और उसमें नुआंसेस हैं और उसमें, और यही चीज मैंने तो ऑफकोर्स देखा हुआ है काफी हद तक जो अभी तक हमने एपिसोड्स किए हैं, तो इट्स बीन डन ब्यूटिफुली एंड काशिफ हैज डन जस्ट सच अ वंडरफुल जॉब। ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मेरे सामने बैठे या ये हमारा प्रोजेक्ट है, आपके ना रोंटे खड़े हो जाते हैं कुछ सीन्स में जब आप उनको देख रहे हैं, बिकॉज यू आर जस्ट इट जस्ट अफेक्ट्स यू सो मच। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात यह कि बहुत सारे इसमें वो कैरेक्टर्स हैं जो कास्ट में आपके कुछ ऐसे टीम मेंबर्स हैं आपके, जिन्होंने ये कैरेक्टर्स इस किस्म के या इस नौयत के पहले नहीं प्ले की, सो इट वाज नाइस टू वॉच देम डू समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। जी, युम्ना इज वेरी अनलाइक युम्ना। यस, युम्ना ने ऐसा कैरेक्टर नहीं किया पहले और युम्ना ने मुझे हैरान कर दिया कैरेक्टर करके, क्योंकि आज तक हमने युम्ना को जितने भी किरदारों में देखा कहीं वो डरी सहमी थी, मेरे भी एक प्ले में वो डरी सहमी थी। मुझे जो मैं जुमना को जो मैं ब्रीफ दे रहा था तो मैंने कहा ये तुम्हारे गिर्द एक शैल है, इसको तोड़ दो, अपनी अपनी बॉडी से बेफिक्र हो जाओ, इसको खुला छोड़ दो, ये इससे जान छूटेगी तो तुम्हें वो कैरेक्टर नजर आएगा या उसको तुम फील करोगी कि एक औरत जो ब्रॉथल में बड़ी हुई है कि वो कैसे उसका, उसका उठना बैठना उसकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं, वो सिमटी हुई नहीं हो बिल्कुल, और मतलब जुमना के लिए बिल्कुल नई चीज थी बिल्कुल। और बिल्कुल। जब वो से पहला सीन ही किया तो उसने यमुना की, हाँ ये बड़ी एक खूबसूरत बात है कि वो अचानक आपको हैरान कर देती सीन के बीच में ही, ना सिर्फ डायरेक्टर को बल्कि को आर्टिस्ट को भी कभी कभी हैरान कर देती है, शी इज वन ऑफ आवर मोस्ट टैलेंटेड, अचानक कुछ ऐसा कर देती है जो बिल्कुल नया हो, शी इज इमेंसली टैलेंटेड। जी जी, और लाइक आई सेड कुछ सीन्स जो मैंने देखे यमुना के आपको हिला देते थे, हिलाने वाले थे बिल्कुल। People like Naveed Shahzad, Noman Ejaz, ये seasoned actors हैं। इनको आप किसी भी रूप में ढाल, मतलब कोई भी character दे दें उसमें ये ढल जाएंगे। उनका experience, उनकी कह लीजिए जो acting skills हैं। But when we talk about this new lot, relatively new lot, इन्होंने तो चौंका दिया। जी जी। वो भी, और इन्होंने child actor से भी बड़ी अच्छी acting कराई, which is a hard thing. That is a hard thing. That is a very hard thing. और natural acting कराना बच्चों से was a tough one. Absolutely. So, and there were a lot of kids जिनके साथ करने की ज़रूरत। अच्छा, सबसे मुश्किल scenes किसके थे? मुश्किल scenes बच्चों के थे। हाँ, ये मुझे पहले भी बताया था। जमशेद, मेरी बात सुन। असल ज़िंदगी शादी के बाद होती है। मियाँ बर्फी पर 30 साल आके देते हैं और लाल जुराबे भी मिलती हैं। मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन लाल जुराबे नहीं पहनूंगा। लड़के लाल जुराबे नहीं पहनते। लड़कों को बहुत ज्यादा सामान मिलता है शादी में, जैसे मोटरसाइकिल भी। मोटरसाइकिल? मैं तो फिर रोजपुर मोटरसाइकिल पे जाऊंगा, मेरी बड़ी शान होगी। Sometimes ये होता है कि वो हमारे यहाँ एक और भी है ना कि वो जब बच्चा कास्ट करते हैं ना तो घर से उसको एक्टिंग सिखा के भेज दिया जाता है, तो पहले तो जो सिखाई होती है वो सामने आ जाते हैं कि उसको अनलर्न करें आप।
क्योंकि वो हमारे यहाँ जो जो चाइल्ड स्टार्स हैं जो वो उनकी प्रैक्टिस मोस्टली घरों में कराई जाती है क्योंकि हमारे सेटों पे इतना टाइम रहा नहीं, तो वो आते हैं और वो सीन करते हैं जो सीखा होता है। हाँ, तो वो माएँ सिखा रही होती हैं या बाप सिखा रहा होता है, तो वो मुझे भी सीखे सिखाए बच्चे मिले थे, तो पहले तो उनको कहा कि नहीं बेटा ये जो सीखा हुआ है इसको अनलर्न कर, इसको भूल जाओ और एक्ट मत करो, तो उस बिहेव करो, तो वो जब ज़रा मुश्किल था, तो उसमें था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था, लेकिन वो बच्चे भी 3-4-5 दिन के बाद वो ट्यून हो गए थे, समझ आ गए थे, फिर वो आके हमें मुझे कहते थे कि आज हम लाइंस करके नहीं आए घर से, हम यहीं करेंगे सेट। आपके सेट पे ज़्यादातर एक्टर्स ये कहते हैं कि आप बड़े प्यार से काम लेते हैं, मतलब प्यार प्यार से मीठी जुबान, सो आई थिंक दैट्स अ बिग वेरी गुड ट्रेट गिवन कि अक्सर मैंने सुना डायरेक्टर्स चीखो पुकार कर रहे होते हैं सेट्स पे। So your cast was in praise of you, कह रहे थे कि आपने बहुत ही प्यार से सबसे काम किया। ये इतना फोकस होके करने वाला काम है, आई डोंट नो चीख चिल्ला के कैसे हो सकता है, अगर आप चीखें चलाएंगे और व्हाट आई बिलीव कि आप जो अपने आर्टिस्ट को जब तक एक कंफर्ट जोन में नहीं लेके आएंगे आप उसका बेस्ट नहीं निकाल सकते। एब्सोल्युटली। तो जब आप उसको स्पेस, अच्छा मैं बहुत बहुत कम डायरेक्ट करता हूँ, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मतलब मैं शायद अपने आर्टिस्टों को ये बताता हूँ कि ये ना कीजिएगा प्लीज, डोंट्स बताता हूँ ज्यादा डूज के बजाय, और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको स्पेस दे दूँ और वो बिहेव कर ले, एक्ट ना करें। राइट, वेल थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया रोशाने, विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी कांट वेट टू वॉच दिस ऑन टीवी वन, दिल ना उम्मीद तो नहीं, और उम्मीदें बहुत जुड़ी हुई है इनफैक्ट काशिफ जी, बिल्कुल, क्योंकि नंबर वन स्टोरी जबरदस्त है, कास्ट उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पे मौजूद है, और आपने डायरेक्ट किया है, रोशाने का कॉन्सेप्ट है, एयर होगा ये टीवी वन पे बहुत जल्द, एंड विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आओ नींदों से यारी कर ले, कभी संगत सूरज से गढ़ ले, आओ खेलना चाहती हूँ, वर्ल्ड कप लाना चाहती हूँ। मेरा रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। जब सिसकियां हो जाए गूंगी, हाथ उठा कर आसमां के, गाल दोनों खुद ही पहुंच ले। खेल का पहला सूत्र कोच मैम ने बताया, खुद को थकाना नहीं। रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों